जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। दोस्तों, आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं नरेंद्र मोदी जी और अयोध्या वासियों को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम के जो बाबा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अयोध्या वासियों पर बहुत ही ज्यादा भड़के, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्यों भड़के, क्यों गुस्सा हुए। दोस्तों, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरा प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो शपथ ले चुके हैं। और दोस्तों, आप लोगों को अच्छा तरह से पता है नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए बहुत सारे नेता लग गए हैं, लेकिन किसी से कुछ नहीं हुआ और हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को भारत के तीसरा प्रधानमंत्री बनकर दिखाया। दोस्तों, आपको पता है कि जितना भी रिजल्ट आया, जितना भी वोट का गिनती हुआ, सभी जगह से नरेंद्र मोदी का वोट बहुत ही अच्छा आया। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अयोध्या वासियों ने अगर नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जितने भी हिंदू हैं सभी अगर मोदी जी को नकार दिए। दोस्तों, बहुत ही विडम्बना की बात है, बहुत ही एक गलत बात है, जो कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को बहुत कम वोट मिला। दोस्तों, इसी बात को लेकर हमारे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुस्सा से बावला हो उठे और सभी लोगों को बोले कि क्यों तुम लोग ऐसा किया और क्यों हमारे नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी को वोट नहीं दिया, आप लोग हिंदू के नाम पे कलंक है। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे धर्म गुरु ने ऐसा बात उठाया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या वासियों ने बहुत ही कम मात्रा में, नहीं के बराबर वहाँ पे वोट दिया गया है बीजेपी को, जो कि दोस्तों बहुत ही एक शोचनीय है, बहुत ही विडम्बना की एक घटना है। दोस्तों, जैसे देखा जाए पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो मुस्लिमों का घर है, लेकिन वहाँ पे नहीं वोट मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अयोध्या वासियों ने नहीं वोट दिया, यह तो बहुत ही एक खराब बात है और आने वाला समय में बहुत ही दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या बहुत ही विकास कर चुका है, नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे बहुत ही विकास किया, वहाँ पे टेम्पल बनाया, रोड बहुत ही अच्छा अच्छा बनाया, सभी लोगों को रोजगार दिया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा वहाँ पे विकास कर लोगों को दिखाया, लेकिन तब पर भी लोगों ने बदल गया और नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया बल्कि कांग्रेस को दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस भी बहुत लोगों को भड़काया है, कुछ पैसा भी दिया है, जिसके वजह से लोग कुछ बदल जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम के बाबा बहुत ही गुस्सा हुए। आपको पता है कि बागेश्वर धाम में जो भी जाता है भक्ति का सत्संग चढ़ जाता है उसके अंदर, और दोस्तों वह बहुत ही अच्छा से वहाँ पे अर्जी लगाता है, अपनी मनोकामना पूर्ण करता है, यही तो हमारे बागेश्वर धाम का राज है। और बहुत ही वहाँ की खुशी की बात है कि वहाँ पे दरबार भी लगाया जाता है। यदि आप भी दुखों से परेशान हैं, आपको भी बहुत बड़ा समस्या है, तो आप बागेश्वर धाम जा सकते हैं और वहाँ पे अपना हर समस्या का निदान कर सकते हैं, अपना समस्या का हल कर सकते हैं। वहाँ पे लाल कपड़ों में नारियल बांधकर बालाजी के चरणों में चढ़ाया जाता है और वहाँ पे अर्जी इस प्रकार लगाया जाता है। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया कि हमारे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अयोध्या वासियों पर क्यों गुस्सा हुए, क्यों वहाँ पे भड़क उठे। तो दोस्तों, आपको पता चल गया। फाइनली दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बागेश्वर धाम।